हमला मत कर देना। इसराइल के खिलाफ ईरान को मिला रूस का साथ, क्या युद्ध में सीधे एंट्री के मूड में पुतिन? इसराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन इस नई जंग में सीधे एंट्री के मूड में है। लाओस के वियतियाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, इजरायली हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोई धमकी दी गई तो इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर उकसावे के तौर पर देखेगा। ईरान परमाणु कार्यक्रम का सैनिकरण नहीं कर रहा, रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सैनिकरण किया जा रहा है। हमला करने की हिम्मत मत करना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान पहली बार तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में शुक्रवार को मिले। दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया के ताजा हालात पर भी चर्चा की। ईरान ने इसराइल पर क्यों किया था हमला? 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर एक साथ करीब 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने कहा था कि यह हमास नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह और IRGC के जनरल अब्बास नील फोरुशान की हत्या का बदला है। इसराइल ने खाई हमले की कसम। इसराइल ने ईरान पर बदले की कार्रवाई की कसम खाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल का ईरान पर हमला अधिक घातक होगा।